हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिम्रांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति सोपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शुभासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणामामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णव, आज द्वादशी है। और विराहा जयंती भी है। भगवद गीता के 18वें अध्याय का 58वां श्लोक। मच्चित सर्वदुर्गाणि मत प्रसादाद तरष्यसि अथ चेत त्वाम अहंकारात् न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। भगवद गीता का ये श्लोक हमें बहुत कुछ अद्भुत ज्ञान देता है। और इस भवसागर से पार होने का सरल मार्ग बता देता है, सरल मार्ग। देखिए, हम मनुष्य हैं, इंसान हैं, और हम जितना भी सोचे, जितनी प्रगति कर ले, जितनी तरक्की कर ले, जितना प्रोग्रेस कर ले, जितनी आधुनिक सुविधाएं आ जाए हमारे पास, जितने हम टेक्निक में आगे बढ़ जाए, फिर भी कुदरत के सामने हम कमजोर के कमजोर ही रहेंगे। ये कोरोना ने समझा दिया। हमारी कोई हैसियत कोई औकात नहीं है। परमात्मा भगवान के आगे तो हम जीरो है, शून्य है, कुछ नहीं। इसलिए हमारी बेहतरी, हमारा भला इसी में कि हम उस शक्तिशाली सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान श्री हरि कृष्ण की श्री चरणों का आश्रय लें। और जब हम भगवान श्री कृष्ण की भावना मृत में अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं, तब कृष्ण कहते हैं
मेरी कृपा होगी तुम पे और तुम इस बहुसागर को पार कर जाओगे। बदजीवन की सारी अवरोधों को पार कर जाओगे। इसका मतलब हुआ कि हम उनकी कृपा के बिना शून्य हैं, कृष्ण की कृपा के बिना जीरो है, शून्य है, कुछ भी नहीं है, और अपने कोशिशों से इस भवसागर को पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी कोई हैसियत ही नहीं है इंसानों की, शून्य है, ये कोरोना ने समझा दिया। भगवान की प्रकृति के आगे हम कुछ भी नहीं है। अभी अमेरिका में जो सुपर पावर है, टेक्सास में इतनी बर्फ गिरी, इतनी स्नोफॉल हुआ, इतना बर्फ गिरा, इतना बर्फ गिरा कि जनजीवन ठप हो गया। बड़े बड़े अरबपति लोग, उनके यहाँ बिजली चली गई, सारे साधन फेल हो गए, और बिजली से सर्दी से बचने के लिए उनके घर के हीटर सब खत्म हो गए, कार के अंदर बैठना पड़ा। बड़े बड़े अरबपति लोग कार में बैठे थे रात भर, पीने का पानी नहीं था, खाने को राशन नहीं था। तो कोई भी शक्तिशाली इंसान कितना ही बन जाए, भगवान की प्रकृति के आगे तो शून्य है। तो जब हम है ही शून्य, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, तो क्यों ना उस भगवान की शरण ले ले, कृष्ण की। और जब कृष्ण की शरण ले लेंगे तो कृष्ण कहते हैं मत प्रसाद आत तरस्यसि, मेरी कृपा से तुम इस बहुसागर की सारी अवरोधों को पार कर जाओगे। इसलिए कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो अहंकारवश अपने आप को कुछ समझता होगा, नहीं तो हम तो कुछ भी नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण के श्री चरणों का आश्रय लेना जीवन की सफलता है। जीवन इसी से सफल हो जाता है कि हम कृष्ण की श्री चरणों का आश्रय लेके अपना जीवन व्यतीत करें, जीवन बिताएं, भजन करें, दर्शन करें, प्रसाद लें, तुलसी की पूजा करें, एकादशी का व्रत रखें और कृष्ण नाम और कृष्ण कृपा का आनंद लें। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, ये जीवन बहुत अनमोल है, इसको कृष्ण को दे दो। कृष्ण हमारी सहायता करेंगे, हमें बचाएंगे नरक में जाने से। कृष्ण कहते हैं, इसलिए कृष्ण भावना भावित रहे, कृष्ण भजन में अपना जीवन बिताए और कृष्ण भक्ति करें। मेरा ठाकुर आप सबों को सुखी स्वस्थ रखे, आप सब सुरक्षित रहो। प्लीज़ कृपया मास्क लगाए बिना घर से मत निकलिए, क्योंकि ये बीमारी बड़ी खतरनाक है। मैं भोग चुका हूँ, मुझे पता है, और अभी भी उसके साइड इफेक्ट चल रहे हैं। अभी भी शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस है। प्लीज़ समझिए, आप लोग सुरक्षित रहिए और अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान दो। प्लीज़, हेल्थ है तो आप भजन कर सकोगे, सेवा कर सकोगे, साधना कर सकोगे, सब कर सकोगे। इसलिए लापरवाही मत करना प्लीज़, और भजन करना। कल फिर मिलेंगे, भगवान आप सब को खुश रखें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा वृंदावन चंद्र की जय हो, शिला भक्ति पाद विराह भगवान की जय। हरे कृष्ण।